कॉलेज फुलेली में मुल्क के अनेक वजन शख्सियतन की आमद रही है। उन शख्सियतन में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, सरदार अब्दुल रब नश्तर, जुल्फकार अली भुट्टो, मीर अली अहमद ताकुर, अलामा आया काजी, डॉक्टर जहांगीर खान, मुश्ताक गुरमानी, डॉक्टर एन ए बलोच, अलामा गुलाम मुस्तफा कासमी, पीर पागारो, मारूफ मुहक्क इल्मी रूहानी शख्सियत डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान शामिल है। गवर्नमेंट कॉलेज जो एक तारीखी वर्सो उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी भी रही है, जका 1918 ईस्वी में कायम थी। इन कॉलेज के स्टेज से शेक्सपियर, मिर्जा खलीज बेग और दीवान कौड़ोमल जहा केतरा ही ड्रामा पेश कर रविंद्र नाथ टैगोर ड्रामेटिक क्लब पारा भी इन कॉलेज के स्टेज से मुख्तलिफ ड्रामा पेश कर रहा। कॉलेज के स्टेज से उन क्लब जो पहरू ड्रामो मुल्क जहा मुदब्बर पेश कर रहा। 54 में एक इंग्लिश में ड्रामो थी पहले, उनमें मोहम्मद अली बीच 54 में गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट हो फिल्म एक्टर जो थे कोई उन हिस्सो वरतो तालीम बालिगान ड्रामो थो गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर जीलानी साहब के जमाने में डॉक्टर वहाँ रिटायर थो और डॉक्टर जीलानी साहब आयो। उनमें डॉक्टर जीलानी साहब इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन कराया, उनमें सिटी कॉलेज, सिंध यूनिवर्सिटी बेन तालीमी इदारन में आया, उनमें मुस्तफा कुरैशी, मोहम्मद अली इन सब पार्टिसिपेट कर। हर साल तक ये एक्टिविटीज गवर्नमेंट कॉलेज में रहती हुई। इतने इलाके में नाटक मंडलियों होंदी हुई, इन कॉलेज में भी नाटक मंडलियों होंदी हुई, इन कॉलेज के स्टेज में मुनफरिद है। उन स्टेज जो सजो सागवान जो काठ की ठहल है, उनके हेठा मेकअप रूम है। एंट्री किथा थे थी किरदारन जी, किरदारन जो एग्जिट वन किथा था, वो सजो इंतजाम इतने थियल है। पर्दा किए खुलन था, किए बंद थियन था, लाइटिंग जो इतने जेके हैदराबाद में ड्रामेटिक सोसाइटियों होंदियों वो कोशिश कंदियों तो असां पंहिंजो वॾो ड्रामो स्टेज इन कॉलेज के स्टेज तां करियूं, परफॉर्म करियूं। एतरे हद ताईं जो रेडियो पाकिस्तान जे केतरनि प्रोड्यूसर्स इतने अची ड्रामा कया आहिनि। तव्हां असीं सभु ॼाणूं था तमामु वॾो ब्रॉडकास्टर एम बी अंसारी असांजे रिकॉर्ड मुताबिक़ उन हिते अची ड्रामो खूनी स्टेज कयो आहे। उन खां अलावा कुझु ई वर थींदा जो मिर्ज़ा कलीच बेग जो ड्रामो इंक्वायरी ऑफिसर इन स्टेज तां पेश कयो वियो। 40 साल खां पोइ ड्रामेटिक सोसाइटी जो असां रिवाइवल कयो आहे, उनखे ॿीहर अजरा कयो आहे। उन ड्रामेटिक सोसाइटी जो कन्वीनर मां आहियां। असां हिते 2 स्टेज ड्रामा कया आहिनि। गुज़िरियल साल शागिर्दनि जे ई किताब मां हिकु प्ले असां खयो आहे, 1 एक्ट प्ले, 20 मिनट्स विद मिसिस ओकेंटम। कॉलेज के नारायण दास हॉल के जो तुम ऐसो उनकी तारीखी हैसियत है। इतने मुख्तलिफ तकरीबात से गड सिंध लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इजलास भी हो, जैमें सिंध की बंबई का अलहदगी की करारदाद जो ठहराव 2 दफा पेश करो। एक दफो वो ठहराव जो है सो मंजूर न थो, छोजो अक्सरियती मैंबरन जो ख्याल हो तो सिंध इन पोजिशन में ना है जो इन वक्त सिंध की बंबई का अलहदगी थे। मुखालफत में वोट ॾींदड़न में अलामा आया काज़ी भी हो। वरी जॾहिं असीं अचूं था 1947 में त ठहराव ॿीहर पेश थियो आहे, ऐं उन में जेको फाइनल वोट हो, डिसाइडिंग वोट हो साईं जीम सैयद जो हो, जंहिंखां पोइ उहो ठहराव मंज़ूर थियो। त वॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं आयूं आहिनि, ऐं शायदि ई को अहिड़ो वॾो माण्हू जेको न हुजे जंहिं हिन कॉलेज में पेर न पातो हुजे। मुंहिंजे वालिद साहिबु अलामा गुलाम मुस्तफा कासमी, डॉक्टर नबी पश्तान बलोच, ऐं उन खां अलावा डॉक्टर गुलाम अली अलाना, खोड़ सारियूं शख़्सियतूं आहिनि जिन कॉलेज में अची हिन कॉलेज जो नालो वधायो आहे। उन ज़माने में सियासी जेके स्टूडेंट्स तनज़ीमूं जेके आहिनि उहे एक्टिव थियूं जिते किथे। भुट्टो साहिबु जॾहिं पंहिंजी एक्टिविटी शुरू कई, उनमें स्टूडेंट्स जो रोल एक्टिव घणो थियो। इते गवर्नमेंट कॉलेज में
पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन एनएसएसओ हुई जो एनएस नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन हुई एनएसएफ उन जमीयत तलबा हुई उन जमाने में एपीएमएस कौन हुई ये चार तन जमू हुई मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज जो असर हुए उतने स्टूडेंट जो थोड़ा कदें कदें झगड़ा थी पर हमेशा टीचर जो होते हल्प रहे कद का भी गाल थी टीचर एकदम बाहर निकली छोकरा टीचर के भजी वा कदें भी इन कॉलेज में कें पार्टी जो झंडो को लगो एक दफा लगो पर वो अस कें को स्टूडेंट ही चो उनके पा उन्हें लाथो तो गवर्नमेंट कॉलेज में अड़ो सिस्टम रो तो टीचर जो हमेशा होल्ड रहे हुआ, हमेशा स्टूडेंट जी इते होल्ड कदें भी न रहे हुआ। इस कॉलेज की जो एराजी थी वो इंक्रोच क्यों हुई कितनी एराजी थी अब कितनी रह गई है और उसके इंक्रोचमेंट के असबाब क्या है सर 64 एकड़ एराजी थी टोटल कॉलेज की जो हमें पता चलती है जो पुराने मैप्स निकले हैं लेकिन क्योंकि पार्टीशन के बाद धर्मदा ट्रस्ट के जितने पेपर्स थे वो धर्मदा ट्रस्ट अपने साथ ले गई पेपर्स तो हमारे पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं रहे और एवोकेटेड डिपार्टमेंट वालों से शायद उस जमाने के प्रिंसिपल या वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सके या उन्हें मिल नहीं सका या इस साइड पे जो है वो अब इंतजामी मामला को कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में कुछ वो इतने मसरूफ हो गए कि वो शायद इस तरफ ध्यान ना दे सके मेरा जाती ख्याल है कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे सके इसलिए जो है पीछे जो लोग आते गए और वो उसको एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर कब्जा करते गए फिर किसी वक्त ये बाउंड्री डेवलप हो गई बाउंड्री डेवलप होने से यह हुआ कि बाउंड्री के अंदर ये कंसीडर किया गया कि बाउंड्री के अंदर जो कुछ है वो कॉलेज का है और बाउंड्री के बाहर जो कुछ है वो कॉलेज का नहीं है इस तरीके से क्योंकि ये सिर्फ शहर से अलहदा इलाका था तो लोग यहाँ फिर हाउसिंग स्कीम्स बनाते चले गए कुछ एग्रीकल्चर लैंड बनाते चले गए फिर एक वक्त आया कि प्रिंसिपल ने ये कोशिश की कि साहब तो अब वो हम इस प्रॉब्लम में हैं कि हमें इस पूरे उसके पेपर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाएं ताकि हम उस पर क्लेम कर सकें गवर्नमेंट कॉलेज खुले ली अलमारूफ डीजी नेशनल कॉलेज हैदराबाद की तालीमी तारीख जो जीरो जागंदो बाब है इन कॉलेज जो तारीखी इमारतों तोड़े उनका दर्रो दीवारों सरगोशी के अंदाज में पंज माजी जा किस्सा कहानियों बयान कंदे नजर अचन इन कॉलेज के बानीकार मददगार जै ख्वाब की साबिया लाए इन दस्तगाह जो बुनियाद खड़ो कयो सो ख्वाब पैंजी हकीकी साबिया माने सको है या न इो अज के दौर जो एक वो सवाल है गवर्नमेंट के तरफा गवर्नमेंट कॉलेज की अहमियत न मिली जहां मिलन खपे जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है उत्ते जे भी स्टूडेंट्स बाहर निकता ओल्ड बॉय जो हुआ उन्होंने एसोसिएशन ठाई रावियंस में जे भी हुआ उनमें नवाज शरीफ भी है सभी है वो हमेशा पैं कॉलेज के ओन कर इन कर कॉलेज तरक्की वो इन कॉलेज जा जी अब्दुल्ला शाह साहब गवर्नमेंट कॉलेज जो एक्स ओल्ड बॉय हो इलाही सियासत परवेज अशरफ खुद अशरफ रो इशरत खान जो इशरत हुसैन जो स्टेट बैंक जो गवर्नर ही रो बदरुल सिद्दीकी साहब वाइस चांसलर रो इलाही वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज जा मुकर थे गवर्नमेंट में भी इलाही मानू एमपीएस रहन इतने एमपीएस एमएनएस जो आफ्ताब साहब जेलानी अमजद शाह जेलानी ये सब गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट रहे जो रफीक उजमान गवर्नमेंट कॉलेज ओल्ड बॉय रो